चलिए डिबेट में आगे बढ़ते हैं और मंदिर को जाने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं तमाम मेहमानों की तरफ से। रोहित चहल ब्रेक पर जाने से कुछ पहले कुछ कहना चाह रहे थे। तिवारी जी ने कहा था कि ये सब राजनीति के लिए हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मैं जो फैक्ट पढ़ रहा था उसमें राहुल गांधी से पहले उनकी जो दादी रही और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 3 बार गई और राजीव गांधी दतिया में पीताम्बरा पीठ के दर्शन करने 1 बार गए थे। उसके पहले इंदिरा गांधी 1979 में उज्जैन गई थी और भस्म आरती में हिस्सा लिया था और 1989 में राजीव गांधी महाकाल के मंदिर गए थे और 2008 में सोनिया गांधी जी भी गई थी। तो ठीक तो कह रहे हैं लोग, परंपरा तो रही है, जाते तो हैं, आप सिर्फ राहुल गांधी को क्यों टारगेट कर रहे हैं फिर? देखिए राहुल गांधी जी बहुत अच्छी बात है, अगर जाते रहते राहुल गांधी तो उसपे कोई प्रश्न नहीं करता, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर परंपरा तो है। देखिए जहां पर आपने राहुल गांधी इन्होंने बात करी कैलाश की, तो कैलाश मानसरोवर सबसे पहले तो राहुल गांधी जी वहां पर जाके मास्क का सेवन करते हैं, आप ही की मीडिया रिपोर्ट थी। केरला के अंदर वहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष वहां पे गौ मास्क चौराहे पे गाय को काटते हैं, गौ माता को चौराहे पे काटते हैं राहुल, वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष। उसके बाद जब आपने राम मंदिर की बात करी, मंदिर की बात करी, तो शशि थरूर जो कांग्रेस के नेता है, जो जिस दर्जे के नेता है वो सबको पता है, वो क्या कहते हैं कि जो जो राम मंदिर बनाने की बात करते हैं वो बुरे हिंदू हैं, जो भी पूरे हिंदू समाज को ये आज कांग्रेस पार्टी बुरा हिंदू कहने में लगी है, बैड हिंदू कहने में लगी है। ये भाई आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, आपने कहा मोदी जी और बाकी चीजें, आपके खुद का जो जिसका पूरा परिवार जो चोर रहा हो, चलिए मैंने आपके से रोहित भाई मैंने आपकी सारी बात मान ली, ठीक है, जिस तरीके से उनकी रोहित भाई मैं आपकी सारी बात मान भी लेता हूँ, फिर भी राहुल गांधी के मंदिर जाने में क्या बुराई है? हमें अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो शिव जी की आज वहां पर जल चढ़ा राहुल गांधी जी, लेकिन उसी शिवलिंग पर राहुल गांधी के इशारे पर शशि थरूर के द्वारा वो चप्पल बनाने की बात करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं सिर्फ वोट बैंक की खातिर, ठीक है, सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की खातिर। सुरेंद्र राजपूत जी, भक्ति का मुखौटा क्यों? यही सवाल है ना, भक्ति का मुखौटा क्यों? भक्ति करना है तो कीजिए। 2017 में जब गुजरात चुनाव हुआ था तो वहां पर राहुल गांधी ज्यादातर हिंदू मंदिर में गए, तो क्या राहुल गांधी जी हिंदुओं के नेता हैं? ये भी साफ कर दें। 26 मंदिरों की यात्रा की लेकिन मस्जिद में नहीं गए, गुजरात की बात कर रहा हूं। कर्नाटक में भी लिंगायतों को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की। मेरा सवाल यह है कि सिर्फ हिंदू सेंट्रिक पॉलिटिक्स क्यों हो रहा है अब आपकी पार्टी में? आप तो सेक्युलर दल माने जाते थे। विवेक भाई, राहुल गांधी जी पूरे हिंदुस्तान के और हिंदुस्तानियों के नेता, और हमें इस बात पर गर्व है। अभी एक बात इन्होंने कही, चहल साहब बड़े अच्छे विद्वान टाइप, पात्रा जी से अच्छे प्रवक्ता हैं। अब हमारे लिए केरल में तो हमने अपनी पार्टी के उन वर्करों को पार्टी से निकाल दिया था। आप मानते हैं ना कि आपके लोग गाय काट रहे हैं, गाय के ऊपर गौ माता को काट रहे हैं? अरे चुप रह करके सुनिए भाई, और आप यहां पे गौशाला में चुप रह करके इनको सुनाइए, और अगर ये बदतमीजी करेंगे तो मुझे इनसे ज्यादा जोर से बोलना आता है। उन्होंने कार्रवाई की, मैंने क्या कहा आपसे? मैंने क्या कहा आपसे? अगर आप नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते तो भैंस छोड़ दिए, बदतमीजी मत कीजिए। महावदे बोलते उनको पार्टी से बाहर कर देते हैं। सुनिए, आपको आपको जानकारी नहीं है राजीव चहल, आप निहायत बदतमीज किस्म के इंसान हैं। राहुल गांधी के पास आपके बीच में मैं नहीं बोला, उसके बाद आप क्या कहते हैं उनका जो पैसा है, जो राहुल विवेक विवेक अब जवाब सुन लीजिए, विवेक अब जवाब सुनिए, अगर आप इनको चुप नहीं कर सकते तो मुझे मजबूरन कहना पड़ेगा। सुरेंद्र जी हाँ बोलिए, को बोलने के लिए प्रवोक कर रहे हैं? नहीं नहीं, वाह जी वाह, अगर अपनी बात रखे तो प्रवोक कर रहे हैं। देखिए दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। नंबर एक, किरण रिजिजू गाय का मांस खाते हैं, इनकी पार्टी के गृह राज्य मंत्री। अरे अपने आप मिथुन है, पहले अपने आप गाय का मांस खाते हैं और पूरे देश में पार्टी देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से इस बात को करती है? इस बात का जवाब दीजिए, आपके चौराहे पे आपके लोग गाय का नंबर एक एक करके बात नहीं करेंगे तो फिर जवाब ही नहीं आ पाएगा ना फिर किसी। गो मांस भक्षक भारतीय जनता पार्टी है। और तीसरी बात, हमें धर्म के लिए किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, धर्म के लिए हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम तो बहुत स्पष्ट जानते हैं, हम उस भगवान के उपासक हैं जिसने हमको बनाया, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस भगवान को बनाया है, भारतीय जनता पार्टी उसका व्यापार करती है। आपकी तीसरी बात, राम मंदिर के लिए सुन लीजिए, विवेक तिवारी के लिए आज आप राम की बात कर रहे हैं, जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते थे, प्रवीण तोगड़िया के साथ क्या व्यवहार कर रही है? अरे आप ये बताइए, करोड़ का जवाब दे दीजिए, मैं आ रहा हूं, अखाड़े का जवाब दे दीजिए, मैं आ रहा हूं।
ठीक है, एक सेकंड, मुझे लगता है इसका ज्यादा अच्छा उत्तर तिवारी जी दे सकते हैं। तिवारी जी, मैं दे रहा हूं, मैं दो तीन चीजें कह रहा हूं। एक तो सीताराम केसरी के साथ इन्होंने क्या किया है, एक बार जब वो उनकी डेथ हो गई थी बिचारों का धक्का खा करके। अरे हमने सीताराम केसरी के साथ जो किया हो वो आप विश्व हिंदू परिषद ने तोगड़िया के साथ किया, मरने के लिए छोड़ दिया विजय शंकर जी। सुनिए, आप अभी रोहित जी को बोल रहे हैं, राजू जी को बोल रहे थे, हमें भी बोल रहे हैं। 1500 करोड़ के भ्रष्टाचारी हैं आप लोग। एक तो अरे जिसका खानदान चोर हो वो क्या बात करेगा, आपकी नेता सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी डाकू घोटाले के अंदर, नरेंद्र मोदी चोर चौकीदार चोर अमित शाह नरेंद्र मोदी के साथ कांग्रेस पार्टी का। मैंने कहा ना नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी ने कहा है रोहित चैल एक एकल की बात कीजिए। देखिए विजय शंकर तिवारी किसी के बीच में नहीं बोलते, तो इस बात के लिए मैं पैरवी करूंगा। विजय शंकर तिवारी को एक सेकंड, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। देखिए रोहित चैल और सुरेंद्र राजपूत दोनों से गुजारिश कर रहा हूं, जब विजय शंकर तिवारी सबकी बात सुन रहे थे तो वो जब बोल रहे हैं आप लोगों को सुनना चाहिए। विजय शंकर तिवारी प्लीज कंटिन्यू। नहीं, ये रोहित चैल साहब बोल रहे थे। हाँ नहीं ठीक है, प्लीज कह रहा हूँ। अभी इन्होंने एक प्रश्न उठाया था। मैं कहता हूं कि ये सब कुछ पूछने से पहले राजपूत जी को नरसिम्हा राव के साथ इन्होंने क्या किया था ये सोच लेना चाहिए। बुजुर्ग आदमी जब मृत्यु हो गई तो पार्टी के अंदर उसकी लाश नहीं आएगी। यहाँ तक सीताराम केसरी के साथ ऐसी एक लंबी फेरिस्त है। चलिए फेरिस्त है, मैं मानता हूं। आप सिर्फ तोगड़िया जी का जवाब दे दीजिए। तो क्या बाकी पार्टियों को इसका अनुसरण करना चाहिए, बाकी लोगों को इसका अनुसरण? सुरेंद्र राजपूत प्लीज मुझे बात कर लेने दीजिए ना। विवेक जी, मैं कहता हूं जितने लोगों के साथ बद व्यवहार किया है कांग्रेस ने उसका तो उत्तर दे देंगे, इसके बाद मैं दे दूंगा। एक बात, दूसरी बात, अभी एक बड़ा करंट मामला चल रहा है, राम मंदिर का विषय चल रहा है, तो राम मंदिर के मामले में सारे देश ने एक बात देख ली कि बार बार कांग्रेस ये कह रही है कि 1986 में हमने ताला खुलवाया, इन्होंने ताला नहीं खुलवाया। तो कोर्ट ने कहा और सरकार इनकी थी, किसी ने कोई विरोध नहीं किया, किसी ने कोर्ट के अंदर भी विरोध नहीं किया, किसी ने यह भी नहीं कहा कि 1987 में खुलवा दीजिएगा। तोगड़िया पर बोल दीजिए 1500 करोड़ हमारे साथ आप सीताराम केसरी एक मिनट, प्रवीण तोगड़िया पर बोल दीजिए सर। प्रवीण तोगड़िया के जान के लाले हैं, नरेंद्र सिंह से जान का खतरा है। समाजवादी पार्टी से थोड़ा मुझे लगता है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, आपके साथ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत मैं आ रहा हूँ आपके पास। रोली मिश्रा जी, सवाल ये है मेरा कि आखिरकार चुनाव के समय ही तमाम पार्टियों को मंदिरों और भगवानों की याद क्यों आती है? अखिलेश जी भी हैं इसमें, प्रतिमा बनवा रहे विष्णु जी की। देखिए ये तो आप लोगों का नितांत भ्रम है, या फिर ये भ्रम फैलाने का नितांत प्रयास किया जा रहा है। सभी लोग जो इस देश में रहते हैं उनको अपनी मर्जी से अपना धर्म का चुनने का और उसकी धर्म की पद्धति करने का अधिकार है। लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि भारतीय जनता पार्टी, यहां मैं आपके पैनल को इस समय देख रही हूं, आपने BSP के बिठा रखे हैं, विशेषज्ञ बिठा रखे हैं, आपने धर्मगुरु बिठा रखे हैं, आपने भारतीय जनता पार्टी के भी एक प्रवक्ता बिठा रखे हैं, और बेचारे हमारे सुरेंद्र राजपूत जी को आपने अकेले कर दिया है। सुरेंद्र राजपूत जी की अपनी भी बहुत भाषा प्रखर है और वो आप लोगों का मुकाबला कर पाएंगे। एक बात जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ विवेक जी, धर्म को चुनने का अधिकार सभी को है, और हर मंदिर जाकर विपक्ष बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी या नहीं ये बता दीजिए। चयन भी करता है, विपक्ष बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा नहीं है ये बता दीजिए। दूसरी चीज आप मुझे ये बता दीजिए कि विपक्ष भी हिंदू है और विपक्ष को अपनी धर्म पद्धति चुनने का साबित क्यों करनी पड़ रही है? भगवान भारतीय जनता पार्टी के पेटेंट देवता नहीं,
नहीं है। साबित क्यों करना पड़ रहा है? साबित क्यों करना पड़ रहा है? जो निहत्थे कार सेवकों पे मुलायम ने गोलियां चलाने ऐसे देश भूल जाए बात पूरी ले रोहित भाई से रोहित चैल जी एक सेकंड रोहित चैल भाई प्लीज कन्याओं को खिलाते हैं और तमाम आज आप बताइए देश को आपने निहत्थे कार सेवकों पे गोलियां चलवाई मुल्ला मुलायम सिंह जी यादव जी ने एक सेकंड प्लीज रोहित भाई सुनिए के समय दिखाते हैं कि भाई अखिलेश जी मंदिर जा रहे हैं ये आप लोगों की प्रॉब्लम है ये आप लोगों की विडंबना है। भक्ति है अच्छी बात है मैं वही सवाल कर रहा हूँ भक्ति है अच्छी बात है साबित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कैमरा अपॉर्चुनिटी टीवी अपॉर्चुनिटी मीडिया अपॉर्चुनिटी इसे ये नहीं बनाया जाना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। अगर आप मंदिर जा रहे हैं जाइए मस्जिद जा रहे हैं जाइए गुरुद्वारे जा रहे हैं जाइए लेकिन इसको आप फोटो अपॉर्चुनिटी ना बनाएं। विवेक सहमत हूँ आपकी ठीक है आप मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ सर विवेक जी देखिए मैं देखिए सबसे पहली बात तो मैं बता दूं देखिए हमारे सुरेंद्र राजपूत जी जो हैं हमारे सम्माननीय एक जो बहुत बड़े नेता हैं और मैं व्यक्तिगत वो सनातन धर्मी हैं मैं उनका सम्मान करता हूं और वो सम्माननीय हैं लेकिन वहां बात सुरेंद्र राजपूत जी की नहीं हो रही है मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं पार्टी की राहुल की बात कर रहा हूं जो जाते हैं तो जाते हैं किस देखिए आप सुनिए देखिए आप प्लीज कृपा करके सुनिए आप व्यक्तिगत बात नहीं करिए हम व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं आपकी आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे आप राहुल गांधी के जो गुणगान कर रहे हैं हम मानते हैं हम क्यों बात कर रहे हैं आप इस बात को व्यक्तिगत बात पे ना लेके जाइए हम व्यक्तिगत बात आपसे बात नहीं कर रहे हैं हम केवल राहुल की यहाँ पे भक्ति की बात हो रही है और उस भक्ति के बात को आपको सुनना पड़ेगा आप अगर ये बात करते हैं चर्च की घर में चर्च है और जा रहे हैं इंदौर में भगवान कृष्ण की मूर्ति करने ठीक है भगवान केजरीवाल जी की बात पूरी करेंगे केजरीवाल जी आप बात पूरी करेंगे थोड़ी देर ब्रेक के बाद चलिए डिबेट में आगे बढ़ते हैं सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रोहिणी मिश्रा जी मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा ये इस तरह से अपॉर्चुनिटी पॉलिटिक्स क्यों की जाती है खासकर एक पार्टी जो इस राह पर चल रही है क्या बाकी पार्टी को भी फॉलो करना चाहिए? अगर लगता है कि फला पार्टी को वोट मिल रहा है तो आप लोग भी फॉलो करेंगे तो आप लोग को भी वोट मिलेगा एजेंडा एक बन गया है। विवेक जी मैं आपको बार बार ये स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ कि इस देश में सभी जो भी राजनीतिक दलों के लोग हैं वो अपने धर्म के हिसाब से पूजा पद्धति का प्रयोग करते हैं। राहुल जी अपनी पूजा पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं वो हिंदू हैं। अखिलेश जी जो हैं वो हिंदू धर्म को मानते हैं श्री कृष्ण को मानते हैं वो हमेशा वृंदावन जाते हैं जन्माष्टमी पर। पहले चर्चा का विषय नहीं था आजकल बातचीत होने लगी। मिश्रा जी मैं ये बोल रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि कौन पूजा कर रहा है कौन नहीं कर रहा कौन जनेऊ पहन रहा है कौन नहीं पहन रहा कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। मिश्रा जी मेरा सवाल ये है कि अब इसकी चर्चा की जाती है अब इसके फोटोज आते हैं अब इसके वीडियोज आते हैं माँ पीताम्बरा पीठ जाते हैं तो आप वहाँ उसको दिखा क्यों रहे हैं? वो तो पूजन शुरू से ही करते आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज आप लोग दिखा रहे हैं इसमें मीडिया पर। हाँ रोली जी बिल्कुल आपने सही कहा पूजन करते आ रहे हैं जब दिवाली का जो वहाँ पर बनाई जाती थी अयोध्या के अंदर 2015 के अंदर आपने दिवाली को बनाना बंद करा दिया वहाँ पर और कहा कि पैसे नहीं है आपने साधु संतों पे बनारस के अंदर लाठीचार्ज करवाया आप कह रहे हैं कि आपको याद आ रहा है रोहित भाई मैं करने का काम सिर्फ ठीक है मैं यही सवाल रोहित भाई आपसे ले लेता हूँ ठीक है मिश्रा जी मैं ठीक है मिश्रा जी ठीक है दुखद बात है ठीक है आपने आपने हमारे कंधे पे बातों को रख दिया ठीक है कोई बात नहीं मैं रोहित भाई से ये सवाल लेना चाहता हूँ क्या 3 लाख दिए जलाकर अयोध्या में जब आप दिवाली मनाएंगे कलयुग में जब आप त्रेता की दिवाली मनाएंगे तभी दिवाली मनेगी वरना देश में दिवाली नहीं मनेगी? देखिए दिवाली ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। देखिए दिवाली मनाई जा रही थी और सबसे महत्वपूर्ण बात है बहुत सालों से वहां पर मनाई जा रही थी लेकिन अखिलेश जी जब 2015 के अंदर वहां पर आए और 2015 तक उन्होंने सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति के लिए दिवाली होती होती दिवाली को बंद कर दिया इसीलिए प्रभु राम ने उनको वहां से हटाया। एक बात दूसरी बात आपने कहा वहां पर क्या चल रहा है बता दूं 800 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर अयोध्या बनारस और काशी का विकास के लिए 800 करोड़ का विकास किया बात हो राम हो रोहित भाई ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी लास्ट कमेंट मेरे पास बहुत सीमित वक्त है सुरेंद्र राजपूत एक सेकंड मिश्रा जी एक सेकंड आप आपसे गुजारिश कर रहा हूँ एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत बनाया उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी
अरे आपने क्या क्या मुझे कमेंट लेना, फिर मैं बात नहीं कर पाऊंगा। उनकी जानकारी है और ना ही अयोध्या की जानकारी है। अयोध्या में गुप्तार घाट में भगवान श्री राम की समाधि हुई थी, वहाँ शोक मनाया जाता है, दिवाली नहीं मनाई। सारी तो जानकारी राहुल जी के पास है, राहुल जी सारा का ज्ञान राहुल जी लेकर चल रहे हैं अपने पास। बाकी तो किसी का नहीं है, राहुल गांधी का भी भाई भारतीय जनता पार्टी बनेगी। चलिए ठीक है, और मैं आपको बता दूं रोहित चहल साहब, भगवान और भक्त के बीच में आप आएंगे तो आप पाप के भागेंगे, आपका श्राप के भागेंगे। माफी चाहूंगा सभी मेहमानों से, भक्त सीने बाबा का खर्च हो चुका है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बेनीवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजपूत जी बहुत बहुत शुक्रिया, रोली मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, और तिवारी जी आपका भी शुक्रिया। जनता किसे वोट करेगी, किसे सिर माथे बिठाएगी, आने वाले चुनाव में पता चलेगा। तीन विधानसभा चुनाव को आने वाले आम चुनाव का सेमीफाइनल बताया जा रहा है, तो कौन मंदिर जा रहा है, कौन मस्जिद जा रहा है, और इसका इसको कितना फायदा मिलेगा, कौन से नेता को कितना फायदा होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। वक्त छोड़ से ब्रेक कर हिंदुस्तान पर खबरें जारी।